बच्चों जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय जीडी का फिजिकल चल रहा है और आज मैं हूँ एक ग्राउंड पर, बहुत बच्चों से मुलाकात भी हुई है, लेकिन कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो एग्जाम सेंटर पर लेट पहुँचे और एंट्री तो उनकी हो गई लेकिन कहीं ना कहीं बाद में उन्हें बहुत बातें सुनाई गई कि आपको टाइम से आना चाहिए, ये करना चाहिए था। और कई सारे ऐसे विद्यार्थी भी मिले जो डॉक्यूमेंट की वजह से बाहर हुए। अब वो डॉक्यूमेंट्स कौन सा है, वो अपना आईडी प्रूफ नहीं है उनके पास में, वो एडमिट कार्ड तो उनके पास में है, वो आईडी प्रूफ लेके नहीं आए। तो बच्चों आपके लिए एक सजेशन है, अगर आप ग्राउंड पर आते हैं तो आपके पास में एक आईडी प्रूफ, दो फोटो और अपना एडमिट कार्ड, ये होने चाहिए। और प्यारे साथियों मैं आपको बता दूँ, पहले दिन बहुत बच्चे फिजिकल में आउट हुए हैं रनिंग में, क्योंकि मुझे भी पता है बच्चों और आप भी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि फिजिकल को इतना लंबा समय मिला नहीं, बहुत कम समय में आप लोगों ने फिजिकल की तैयारी की, आप लोगों ने अपना बेटर देने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी मेरिट अगर मैं इस तरीके को देखूं कि बच्चे बहुत निकल रहे हैं फिजिकल में, तो मेरिट हो सकता है और थोड़ा सा नीचे जा सकती है, एक दो नंबर, तीन नंबर। अभी मैं कुछ आपको एक दो स्टूडेंट से मिलाना चाहता हूँ जो फिजिकल देकर अभी बाहर निकले हैं। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी, मैं आप सभी का दोस्त पवन मोरल आज आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी जीडी के फिजिकल ग्राउंड से। साथियों आज मैं गुरुग्राम के एक फिजिकल ग्राउंड पर आया हूं जहां पर एसएससी जीडी के स्टूडेंट्स का फिजिकल चल रहा है। तो प्यारे बच्चों उनमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सफल हुए हैं फिजिकल में, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो असफल हुए हैं, तो मैं आज आप सभी को पहले तो उस विद्यार्थी से मिलाऊंगा जो सफल हुआ है और तीन चार ऐसे पॉइंट हैं जो आपको पता होना चाहिए फिजिकल में जाने से पहले, जैसे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। दूसरी बात, आपको फिजिकल में जैसे बहुत बच्चे डरते हैं सर वहाँ पे 300 बच्चों को एक साथ छोड़ा जाएगा, मतलब एक ग्रुप में, या 500 को, तो हम सारी चर्चा करते हैं। दो विद्यार्थी सफल होकर आए हैं जिनमें एक आपका अभिषेक है, दोनों ही अभिषेक हैं, तो अभिषेक जी हैं दोनों, हम बात करवाते हैं आपकी अभिषेक से। तो पहले अभिषेक आपको बहुत बहुत बधाई कि आपका फिजिकल क्वालिफाई हुआ। आप बच्चों को सर सबसे पहले ये बताइएगा कि अभिषेक सर आपको कैसा लग रहा फिजिकल होकर क्वालिफाई करके? जी बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है, आज आप खुश हैं? जी खुश हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है कि अभिषेक का फिजिकल क्लियर हो गया है। अभिषेक पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जब आप एंट्री करते हैं अंदर तो वहाँ क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स पूछे जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स आपके वो चेक कर रहे हैं प्लीज? एक एडमिट कार्ड, हाँ जी, और एक आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। ओके। दो चार फोटो होने चाहिए। ओके। दो या चार, दो लगने हैं। ओके ओके, तो सर इन्होंने बताया एक आपके पास में ओरिजिनल आईडी होनी चाहिए, एडमिट कार्ड होना चाहिए और दो आपके पास में फोटो होने चाहिए, बिल्कुल ठीक। तो सर आप एक और सवाल जो बच्चों के मन में सबसे ज्यादा आता है, जो फिजिकल होते हैं तो फिजिकल में जो ग्रुप भागता है, एक ग्रुप में कितने विद्यार्थी को एक साथ छोड़ा जा रहा है सर? 100 विद्यार्थी एक साथ छोड़े। ओके, तो सर 100 विद्यार्थी आपके इस ग्रुप में छोड़े गए, उन 100 में से कितने सफल और कितने असफल रहे? जी सर मेरे बैच में 82 बच्चे सफल रहे, 18 बच्चे फेल हुए। देखिए बच्चे इन्होंने कहा है कि इनके ग्रुप में 100 बच्चों ने रेस के लिए इन्हें छोड़ा गया और रेस में 82 बच्चे क्वालिफाई कर पाए और डिसक्वालीफाई होने वाले बच्चे 18 रहे। सर कोई और बच्चा बाद में चेस्ट में निकला हो आपको पता अपने ग्रुप के बारे में तो कुछ बताना चाहेंगे? जी सर मेरे बैच में से लगभग 5 बालक निकले होंगे हाइट में, चेस्ट में कोई नहीं निकला। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है प्यारे साथियों कि इनके ग्रुप में लगभग 23-24 बच्चे ऐसे थे जो 100 में से डिस्क्वालीफाई कर दिए गए, यानी कि 76 या 77 मैं मान सकता हूँ कि आपके बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं। तो सर आप कितना टाइम मिल रहा है आपको 5 किलोमीटर रेस लगाने के लिए? 24 मिनट में। आपके कितने टाइम हो गया था? जी सर मेरा 22 मिनट में हो गया। बहुत बहुत बढ़िया बात है यार, आज तो तुम बहुत खुश लग रहे हो। चलिए, और बहुत खुशी की बात भी है यार, जब हम कोई काम करते हैं और वो सफल हो जाए तो बहुत एक खुशी की बात होती है, और सबसे ज्यादा खुशी होती है आपके गुरुओं को, आपके माता पिताओं को। कितने टाइम से आप फिजिकल की तैयारी कर रहे थे रेस की? मैं 2 महीने से कर रहा था। 2 महीने से, बहुत बढ़िया। तो सर एक बात और बताइएगा, आपके जो नंबर बन रहे हैं जीडी के रिजल्ट मतलब एग्जाम में वो कितने हैं? सर 121 नंबर। 121 नंबर। आप ओबीसी या जनरल? ओबीसी सर। तो 121 नंबर है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद फाइनल फाइट आराम से, सिलेक्शन पक्का है अभिषेक का, तो अभिषेक आपको अभी से बधाई। अब मैं बात करता हूँ अभिषेक जी, अभिषेक जी आप कितने टाइम से फिजिकल की तैयारी करें, पहला क्वेश्चन। दूसरा ये, क्या आपसे भी वही डॉक्यूमेंट्स मांगे गए जो इनसे? सेम डॉक्यूमेंट्स। ओके, तो बिल्कुल देखो दोनों बच्चे एक ही ग्रुप के हैं, दोनों से सेम डॉक्यूमेंट्स लिए हैं। अभिषेक जी आपका कितने टाइम में रेस कवर हुआ है? मेरा हो गया 23 मिनट। 23 मिनट में, तो लगभग बच्चों देखो 24 मिनट का रेस मिल रहा है। हाँ, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा अभिषेक जी, आपकी जो रनिंग का टाइम है, कई बच्चे कहते हैं, कई जगह मैंने वीडियो भी देखी है कि आपको दोपहर में रेस लगानी चाहिए, शाम को लगानी चाहिए, आखिर वो कौन सा समय है जब आपकी फिजिकल मतलब जब यहाँ पे रनिंग कराई जा रही है? सुबह 6:30 बजे से पहला ग्रुप निकाल देते हैं और 8:30 बजे तक तीनों ग्रुप पूरे हो जाएंगे। अच्छा, एक छोटा सा सवाल और पूछना चाहूंगा, सॉरी सर आपसे सवाल कुछ ज्यादा हो गए। सवाल ये है कि आपके ग्रुप में मतलब एक दिन में टोटल कितने स्टूडेंट एक सेंटर पे आ रहे हैं?
यहाँ सर कल मेरे बैच में जिस दिन मेरा था वो 275 बच्चे आए। तो नहीं, टोटल एंट्री कितने बच्चों की थी? 400 बच्चे थे। 400 बच्चे। तो प्यारे साथियों, उन्होंने बताया कि एक दिन में कुल 400 विद्यार्थी आ रहे हैं और 400 में से 275 बच्चे आए थे और 275 में से लगभग इन्होंने जो बताया कि 185 बच्चे क्वालिफाई कर पाए, बाकी डिस्क्वालीफाई हो गए। तो प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आप सबको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो अभी SSC@247 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।